क्या हुआ कि कुछ मित्रगण रिटायर हुए, ठीक है, मतलब मित्रगण क्या कह ले, सीनियर्स हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है उन लोगों के साथ, लगता ही नहीं मेरे जब रिटायरमेंट की खबर आएगी रिटायर होने वाले, हम क्या यार चले जवान आदमी रिटायर कर रहे हैं, बताओ ऐसे ऐसे जवान लोग को रिटायर कर देंगे तो क्या होगा। तो उसी पे कविता लिखा था, शुरुआत की तो चार स्टेंजा लिखी थी कि वो बोलेंगे अपने रिटायरमेंट पार्टी पे, उन पर इतने ज्यादा इंगेजमेंट थी, बोल नहीं पाया उन्होंने आखिर में, कहा यार बोल नहीं पाया, मैं कहा कोई बात नहीं सर, मजा तो किया हमने रिटायरमेंट पार्टी में, खूब इंजॉय करा, ठीक है। तो अब जो लिखी है उसके आगे तीन स्टेंजा और जोड़ी जो कि दर्द है, एक रिटायर आदमी होता है तो फिर उसकी जो दर्द होती है ना उसका, वो लेके आया हूँ। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। कविता का शीर्षक है यकीन नहीं होता कि रिटायर हो गया, यकीन नहीं होता कि रिटायर हो गया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ कि दोस्तों रिटायर होके खुला परिंदा हो गया, दोस्तों रिटायर होके खुला परिंदा हो गया हूँ, सांसें तो पहले भी लेता था पर अब जिंदा हो गया, पर अब जिंदा हो गया हूँ, कहते हैं। अब थोड़ी सी लाइट आपकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। हाँ, तो सांसें तो पहले भी लेता था पर अब जिंदा हो गया हूँ, यूं तो बंधन नहीं था, पर पुलिस की क्या होती नौकरी, पुलिस की नौकरी में कमर पे बेल्ट होती है, वही जो है बंधन है। यूं तो बंधन नहीं था पर कमर पे बेल्ट तो थी प्यारे, कमर पे बेल्ट तो थी प्यारे, प्यार से बेल्ट खोल थोड़ा हल्का हो गया, प्यार से बेल्ट खोल के थोड़ा हल्का हो गया हूँ। ये न पूछ कि कहाँ लगना है या कहाँ लग गया हूँ। अब लोग ना रिटायरमेंट की बात करके पूछने लगते, भाई साहब कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या करने वाले हो, वगैरह वगैरह। अरे यार अभी तो बंदा रिटायर हुआ है, थोड़ा मजे ले लेंगे रिटायरमेंट के। तो ये ना पूछ कि कहाँ लगना है या कहाँ लग गया हूँ, जिम्मेवारी के बोझ से अभी अभी तो मुक्त हो गया हूँ। और छोड़ दे कुछ दिनों के लिए मुझे बस यूं ही मेरे यारों, छोड़ दे कुछ दिनों के लिए बस मुझे यूं ही मेरे यारों, मुझे खुद को यकीन दिलाना है कि मैं रिटायर हो गया हूँ। कितना अच्छा था आप सभी का साथ, मिस करने लग गया हूँ। वो दफ्तर जाना, सबसे मिलना मिलाना याद करने लग गया हूँ, और वो लंच साथ साथ करना, इसके बाद वो हंसी ठहाका, सब यादों के दरीचे में करीने से सजे हैं, उन्हें साफ करने लग गया हूँ। 30 साल तो पुलिस में थे, बाकी उसके पहले भी प्राइवेट नौकरी थी और गवर्नमेंट नौकरी थी। तो 30 साल 30 मिनटों में जैसे उंगलियों पे गिनने लग गया हूँ, 30 साल 30 मिनटों में जैसे उंगलियों पे गिनने लग गया हूँ। भर्ती कल की बात हो जैसे सुबह उठ के परेड करने लग गया हूँ। और वो डड्डू चाल, वो ना पुलिस में जब देते हैं ना पनिशमेंट तो डड्डू चाल चलवाते हैं, वो डड्डू चाल, वो फटीक, फटीक मतलब जो काम साफ सफाई वगैरह वगैरह उसको फटीक बोलते हैं पुलिस में। तो वो डड्डू चाल, वो फटीक, वो मेस की दाल यादों में बसी है, सारे उस्तादों का नाम याद करने लग गया हूँ जो परेड वगैरह कराते हैं ना उस्ताद होते हैं। पुरानी यादों में डूब के सुबह से शाम करने लग गया हूँ। और दफ्तर की आदत गई नहीं। और सुबह जल्दी उठ के तैयार होने लग गया हूँ। और रिपोर्ट का लेना देना वो ड्राफ्ट वो करेक्शन, फजीहत लगती थी उसी को मिस करने लग गया हूँ। अब आखिरी दो लाइन में आप लोग का मतलब दिल जीत लेगा या कह ले कि दिल काट देगा। कहते कि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि रिटायर होके खुश हो गया हूँ, लगता है सब कुछ लूट गया और एकदम खाली हो गया, लगता है सब कुछ लूट गया और एकदम खाली हो गया हूँ। औरों को बुरा ना लगे तो कह देता हूँ दोस्तों, थिएटर से फिल्म उतर गई और मैं बस खाली हॉल हो गया, बस मैं खाली हॉल हो गया हूँ। और आखिरी चालन है और दोस्तों की शिष्टाचार बस कहना होता है कि रिटायर होके खुश हो गया हूँ। और हकीकत ये है
हकीकत ये है कि घर के कोने में पड़ा झाड़ फानूस हो गया हूँ, घर के कोने में पड़ा झाड़ फानूस हो गया हूँ। और बड़ी तमन्ना थी कि हम भी धूम से फूटते, सच कहूँ अरे सच कहूँ तो मैं वो बम भरा बम हूँ, जो फुस हो गया। थैंक यू।